आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। कर्नाटक राज्य में टेक्निकल शिक्षा को पदोन्नति देने के लिए टेक्निकल स्कूल्स खोलने की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा जिले के उपाध्यक्ष सैयद बाबर मुस्तफा ने लखीमपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी दौड़ाने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत की अत्यंत दुखद घटना है। सैयद बाबर मुस्तफा ने कहा कि इस तरह किसानों पर गाड़ी दौड़ाने की दिल दहलाने वाली घटना से देश का सर शर्म से झुक गया है। दूसरों की जिंदगी की कीमत पर उत्सव नहीं मना सकते, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। लखीमपुर खीरी हिंसा, अमित शाह से मिले विपक्ष के निशाने पर आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, अटकलें तेज। किसानों ने क्या बिगाड़ा, उनसे इतनी नफरत क्यों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में मंगलवार की रात दर्दनाक घटना सामने आई, जहां रसोई घर में लगी आग से झुलस कर महिला और उसके दो बच्चों की हुई मौत। 54 घंटे बीत गए, प्रियंका गांधी को कोर्ट में क्यों नहीं किया गया पेश, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी और यूपी पुलिस से पूछा सवाल। कोरोना वायरस इंडिया अपडेट्स, भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 92 करोड़ के पार। केंद्र ने हाईकोर्ट के 15 जजों के ट्रांसफर की आधी सूची जारी की, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश। मार दीजिए गाड़ दीजिए हमें डर नहीं लगता, प्रियंका के साथ पुलिसिया जबरदस्ती पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज लखीमपुर खीरी जाने का किया ऐलान, योगी सरकार से नहीं मिली है इजाजत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार पीएमएवाई लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए मुफ्त रेत प्रदान करेगी। पंजाब कांग्रेस में फिर बदल सकता है अध्यक्ष, रौनित बिट्टू को मिल सकती है कमान, रिपोर्ट्स में कही गई ये बात। देश के 150 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, राजस्थान के स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। भारतीय रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना पर तेजी से किया जा रहा है काम। यूपी हिंसा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, शेर की घनश्याम नायक से जुड़ी यादें। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।